नायक का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उम्रदराज, कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो जिसने कोई सफलता हासिल की हो वही नायक बने। कई बार ये होता है कि बहुत कम उम्र में भी कोई व्यक्ति वो जगह हासिल कर लेता है जो बड़ी उम्र का व्यक्ति भी नहीं कर पाता। इस वक्त तक ऐसे ही शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं, संदीप दुबे जी, जो नगर महामंत्री हैं भाजपा के। खास बात यह है कि संदीप जी का जब जन्मदिन होता है, जब कोई ओकेजन होता है, तो हजारों लोग जुट जाते हैं उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। किसी तरह कोई इनविटेशन उन्हें नहीं दिया जाता। जब भी कोई समारोह होता है तो संदीप जी के आसपास सैकड़ों युवा होते हैं। क्या कारण है, क्यों आखिर आखिर वो लोग उनके साथ में होते हैं और कैसे हासिल की उन्होंने ये दक्षता, ये नायकत्व, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी, स्टूडियो में। और शुरुआत तो यही करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि हजारों सैकड़ों युवा जो है वो आपकी टोली में होते हैं। आज इन दिनों प्रदेश में जब बात होती है, तो जब ये बात होती है कि किसके पास में ज्यादा युवा है, शक्ति किसके पास में, तो आपका नाम प्रमुखता के साथ में आता है। तो ये कैसे किया आपने, हजारों लोग क्यों आपके साथ में? देखिए, मेरा 10वीं क्लास में जब मैं था तो मेरा जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ। साथ ही साथ मेरी कनेक्टिविटी उसी समय से छात्रों के साथ रही, यूथ के साथ रही। बाद में मैं जब कॉलेज में आया तो छात्र राजनीति के अंदर मेरा इन्वॉल्वेशन हुआ और मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय में। तब भी मेरी यूथ के साथ ही मेरी कनेक्टिविटी कंटिन्यू रही। उसके बाद मैं विभिन्न पदों पर, जब मैं हमारे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है इसके मंडल स्तर से मैं लेकर मैं राष्ट्रीय स्तर तक रहा, तो ये भी एक युवा मोर्चा ही हमारा पूरी यूथ को कनेक्ट रखता है। तो मेरी जो कनेक्टिविटी है वो यूथ के साथ ही रही। और हम लोग कहते हैं कि अगर किसी से किसी का जुड़ाव होना चाहिए तो वो सबसे पहला प्रमुख होता है आपका, कि आपका आचरण उनके प्रति क्या है, आपका व्यवहार उनके प्रति क्या है। तो मैंने हमेशा एक विनम्रता पूर्वक, मेरा व्यवहार है, मतलब मेरे नेचर के अंदर ही है, प्रभु ईश्वर ने मुझे ऐसा ही नेचर दिया है कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ और सुख दुख में हर किसी के खड़े रहना मेरे स्वभाव में है, मेरी प्रकृति में है। तो कहीं ना कहीं यही सब चीजें मुझे इन लोगों से कनेक्ट करती है। ये आप कॉलेज में आप अध्यक्ष बने, जी वो पहली बार कैसे प्रपोजल आया आपके पास में, क्या कारण था, मतलब आप कैसे, वो हम प्रोसेस जानना चाह रहे हैं कि अध्यक्ष के लिए आपको चुनाव के लिए कैसे चुना गया, क्या कारण था? मैंने बताया कि मैं विद्यार्थी परिषद में रहा, जी तो उस दौरान जो हमारी टीम थी वहां की, उन टीम को ऐसा लगा कि यार मुझे लीडरशिप करने के कुछ गुण हैं। जी तो उस समय के जो मेरे साथी थे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जी और आगे मार्गदर्शित किया जी जी कि आपको यूथ लीडरशिप करना चाहिए। जी तो मैंने बस उसको चुन उसी लिया उनको आपने, चुना। उसके बाद लगातार आपकी यात्रा बढ़ती जी, गई। लगातार करा जी, आपसे। लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया जो है लीडरशिप पर काम करती है, और बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, जी टीचिंग होती है कि लीडरशिप कैसे की जाए। जी लेकिन इस उम्र में आपको क्या लगता है कि लीडरशिप क्या होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने आसपास भी, आप खुद भी आप प्रूवन हैं, लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है? लीडरशिप के लिए तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, जी साथ ही साथ इसके लिए कोई टीचिंग की जरूरत नहीं है। जी आपका अनुभव ही आपको सबसे अच्छी जी राजनीति की दिशा और राह दिखाता है। जी आप जिस जगह पे रहते हैं, जिन जी लोगों के समूह के बीच में रहते हैं, जी वो आपको कहाँ किस दिशा में ले जाने के लिए आपको आपको दिशा देने का काम करते हैं। जी तो राजनीति, मुझे लगता है कि टीचिंग आप स्वयं के गुरु आप और उस जी परिस्थिति से आप सीखते हो कि जी राजनीति में मुझे किस स्तर पर जाना है और किस जी दिशा में इन लोगों को लेके जाना जी है। राजनीति ने आपको चुना या आपने राजनीति को चुना, आपको क्या लगता है? जी दोनों जी ही हैं। पहले राजनीति ने मुझे चुना और जी अब मैंने राजनीति को अब चुना। आप सिंसियर हो गए हैं। जी इस प्रश्न से ही एक प्रश्न निकलता है, इस उत्तर से प्रश्न निकलता है कि आज राजनीति या राजनेता को, बट टू बी वेरी फ्रेंक कहा जाए तो बहुत अच्छे तरह से नहीं देखा जाता। राजनीति में यदि कोई है तो ऐसा माना जाता है कि वो साम दाम दंड भेद सब वाला व्यक्ति होगा। जी ऐसे में एक युवा के रूप में आपने राजनीति चुनी,
चुनाव और अब आगे अपना भविष्य भी आप देख रहे हैं, क्या सोचकर देख रहे हैं? देखिए, हमारा एक उद्देश्य है और एक अनमोल वचन है, राष्ट्र प्रथम। जी, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया उस मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य हैं। जिस समाज के बीच में हम रात दिन उठते हैं, बैठते हैं, हमारा काम करते हैं, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जी। तो कहीं ना कहीं ये सोचना कि अगर सभी ये लोग सोच लें कि यार ये फील्ड खराब है, जी, तो फिर इस फील्ड में अच्छे लोग कभी आएंगे नहीं। सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर समाज को एक नई दिशा देने के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत से युवा है जो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से ऐसे युवा है जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो राजनीति एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत एक बड़ा क्षेत्र है, जहां पर आप बहुत बड़े विचार के साथ बड़े पैमाने पर आप काम कर सकते हैं। जी जी जी। जो नए लोग हैं, अमूमन देखा जाता है कि उनको लगता है कि राजनीति में पैसा है, ताकत है, वर्चस्व है। आपको लगता है कि यही ये चीजें भी हैं जिसने आपको आकर्षित किया? जी नहीं, मैंने जैसे बताया कि राष्ट्र प्रथम जी, जिस मातृभूमि में अपन ने जन्म लिया है जी, तो मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम उस धारा को जिस पे मैंने पग रख के मेरी खुद की आइडेंटिटी मुझे प्राप्त हुई है जी, तो उस समाज को कम से कम मैं अच्छी दिशा में ले जाने का, जितना मैं ले जा सकता हूँ मेरे सामर्थ्य से, मैं उतना प्रयास करने के लिए इसके अंदर निकला। जी जी, आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है कि आप एक मन के व्यक्ति, आप जो बोल रहे हैं आप डिप्लोमेटिक नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मन से बोल रहे हैं। ये जो भाव है, जो संस्कृति है, कहां से आई? क्या संघ एक बड़ा कारक रहा इसका? जी देखिए, हमारा मातृ संगठन जो है वो हमारा विचार परिवार संघ है जी। और मैंने बताया कि मैं विद्यार्थी परिषद के बाद में मैंने बहुत से संघ कार्य किए, बहुत से हमारे जो संघ के बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें तरुण विद्यार्थी सम्मेलन एक बहुत बड़ा आयोजन था। तो ऐसी कई आयोजनों में मैंने कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व निभाया जी। और कहीं ना कहीं मैं स्वयं सेवक पहले हूँ, बाद में बहुत सारे जो दायित्व मुझे नए नए मिलते गए जी। लेकिन जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा और जो सिखाया गया संघ में वो उसको फॉलो करना मेरा जीवन पर्यंत लक्ष्य है। आपको लगता है कि संघ में जिससे जो जुड़ा हुआ रहता है उसके अंदर ये भाव स्वतः आ जाता है, देश प्रेम का भाव? बिल्कुल, स्वतः आ जाता है। जी जी जी। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं अपने आप से? आप भाजपा से क्या चाहते हैं कि वो आपको कहां देखना चाहती है? क्या सोचा है आपने? देखिए, मैं किसी दायित्व के हिसाब से तो बात नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं जो भी दायित्व मुझे संगठन से मिला है, अभी भी जो वर्तमान में मिला है, आज के पहले भी जो मुझे दायित्व मिले हैं, उसको मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी ऊर्जा के साथ जितना दायरा मेरा था उतने दायरे में रहकर मैंने उन कामों को बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया और आगे भी समाज के अंदर मैंने जैसे बताया कि यूथ ही हमारे देश का भविष्य है और वो बहुत सी जगह हम देखते हैं कि वो दिशाहीन है, तो उनको दिशा में लेकर काम करना, उनको सही राह दिखाना मेरा सबसे प्रमुख लक्ष्य है। क्या इसके लिए कुछ आप कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आपका प्रमुख लक्ष्य उनको एक दिशा देना है, क्या इसके लिए जो आपके आसपास युवा होते हैं उन्हें किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, किस तरह से एजुकेट करते हैं, क्या ऐसा कुछ देते हैं कि वो एक सही रास्ते पर चल पाए? देखिए, बेसिकली मेरा खुद का जिम्नेशियम है जी, तो जिम्नेशियम के माध्यम से भी हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होंगे, आत्मा स्वस्थ होगी, और अगर आपका ये दोनों चीजें, तीनों चीजें अगर एक साथ आपकी मिक्स हो जाती है तो आपका व्यक्तित्व निर्माण होता है और आप जो भी आपका एक जिसको कहते हैं एक सपना देखते हैं तो उसको अचीव करने में आपको मदद मिलती है जी। तो एक तो ये माध्यम है, दूसरा माध्यम है कि हमारा जो यूथ की पूरी जो टीम है उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति क्षेत्र में भी आए और साथ ही साथ बहुत से ऐसे सेमिनार मैंने अटेंड करे जिसके अंदर नशे मुक्ति को लेके हमने अभियान चलाए हैं, जैसे सिगरेट की होली जलाना, शराब की बोतल के आकार की होली जला देना,
ऐसा हम लोगों ने बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं जिससे एक मैसेज जाए कि ये चीज नुकसान देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाता है, चूंकि आप तो युवाओं के बीच में है ही सही, ये कहा जाता है कि आज का युवा जो है वो कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है, वो कहीं भटक रहा है। आपके पास जो युवा, आसपास जो युवा है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा है, कुछ कहीं भटकाव है और उन्हें कहीं रास्ता दिखाने की आवश्यकता है, या उनके अंदर खूब ऊर्जा है, टैलेंटेड लोग हैं, बस समझने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, आपने सच बोला कि इतने प्रतिभावान लोग हैं, इतने प्रतिभावान युवा हैं हमारे समाज के अंदर, सिर्फ उनको एक मौका चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। जी जी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो भटकते रहते हैं, मौका मिलता नहीं है। आपको लगातार मौके मिलते गए, आपको देखिए सफलताएं तो मिलती गई, आप बढ़ते रहे, लेकिन क्या जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ आपको लगा कि नहीं राजनीति नहीं करनी चाहिए, या कहीं कोई डिप्रेशन जैसी बात आई, कहीं कोई अलगाव पैदा हुआ कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कहीं ऐसा होता है क्या? कुछ असफलताएं आपको मिली इस अभी तक? नहीं, असफलता तो नहीं, लेकिन हाँ कितनी बार टूटते हैं जी, लेकिन रात को टूटते हैं तो फिर सुबह और मजबूती के साथ हम उसी पर जुड़कर हम वही क्या चाहते हैं कि वो जो टूटन होती है वो क्या कारण होता है, मतलब क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए राजनीति में? ऐसी कभी कभी परिस्थिति बनती थी, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी परिस्थितियां थी। आपके प्रश्न आपने पूछा इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया। महामंत्री के बतौर जो है आपके क्या इस वक्त आपको क्या दायित्व है, आपके भाजपा के नगर महामंत्री हैं आप, अध्यक्ष के बाद में दूसरी पोजीशन होती है, क्या दायित्व है आपके, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, इसका जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, प्रदेश संगठन है, वो जो भी रचना हमको ऊपर से भेजते हैं और जिस स्तर के आयोजन, जिस स्तर के प्रोग्राम वो भेजते हैं, उसको वो निरंतर और बिल्कुल जो रचना संगठन ने तय करी है उस रचना से वो नीचे तक पहुंच जाए, ऐसी चिंता हम लोग करते हैं। संगठन में बूथ स्तर तक, मैंने बताया कुछ आयोजन नगर स्तर पे होते हैं, कुछ मंडल स्तर पे होते हैं और कुछ बूथ स्तर पे होते हैं। तो ये प्रत्येक आयोजन जैसी रचना संगठन ने तय करके भेजी है उसी रचना के अनुरूप वो कार्यक्रम तय हो जाए, ऐसी चिंता करना एक जवाबदारी है, प्रमुख जवाबदारी है, और ऐसी विभिन्न और भी अनेक जवाबदारी है जो छोटी बड़ी जवाबदारी है। क्योंकि आप राजनीति में हैं इसलिए प्रश्न लाजमी भी है कि कांग्रेस इस देश का बड़ा एक विपक्ष, बड़ी पार्टी है, ऐसी कौन सी चीजें भाजपा को उससे अलग करती हैं कांग्रेस से, क्यों आखिर लोग जुड़ते जा रहे हैं भाजपा से, एक बड़ी पार्टी बनती जा रही है, इस वक्त बहुमत में भी है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है वो एक परिवार तक सीमित हो गई है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ा महत्व मिलता है। यहाँ जो आप पद देखेंगे तो आप कांग्रेस के पद देखिए और बीजेपी के पद देखिए, उसमें इम्पोर्टेंस में आपको अंतर मिलेगा। और चूंकि मैंने बताया कि जो भी कार्यक्रम होता है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरी लगन से, प्राण और प्रण से जुड़ के अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान होते हैं, वो चुनाव के लिए हम अन्य विभिन्न संगठन के कार्यक्रम के लिए, उसके अंदर प्राण और प्रण से जुड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और विश्व पटल पर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना सजोया है कि विश्व पटल पर अपने भारत को एक राजा बनाना है, मतलब वो एक लीडर बने विश्व पटल पर, जी तो उस सपने के लिए हमारा बूथ स्तर तक का भी कार्यकर्ता है वो प्राण और बन से लगा हुआ है, और यही हमको अंतर करता है कि हमारे पास संगठन है, उनके पास सिर्फ परिवार है। संगठन का दायित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में, आपको, आप प्रधानमंत्री को किस रूप में देखते हैं, मतलब क्या उनकी ताकत है कि भारत भाजपा में जो है एकता बनी हुई है, लगातार उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है? देखिए, आपने आज के पहले भी हमने बहुत से प्रधानमंत्री देखे जब वो विदेशों में जाते थे, अपन व्हाइट हाउस की बात लें तो तीन तीन चार चार दिन उनको वेटिंग में रख के वहाँ के राष्ट्रपतियों ने, वहाँ के प्रेसिडेंटों ने हमने देखा है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा पहला व्यक्तित्व है, ऐसे पहले लीडर है जो सभी लोगों को प्रिय है, पूरे विश्व के अंदर अगर वो किसी भी
देश में जाते हैं, तो वहां अगर इंडिया के लोग रहते हैं तो वहां पर आपको मोदी 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 के आपको नारे गुंजायमान होते हुए दिखेंगे जी। तो यह उनकी लोकप्रियता है जी। और लोकप्रियता उनके विचारों की है जी। जिस विचारों से, जिस ताकत के साथ, जिस प्रण के साथ जी। वो हमारे भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। आज विश्व पटल पे भारत का जो मान सम्मान और गौरव जो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि आज के पहले के कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का कार्य कर पाए जी। जी, भाजपा के ये भी कहा जाता है कि कई बार विपक्ष आरोप लगाता हुआ दिखता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, आपको क्या लगता है क्या वाकई ऐसी ये सच है या सिर्फ वो आरोप है? नहीं, यहाँ तो सबका साथ सबका विकास ये एक हमारा प्रमुख एजेंडा है और ये तो मतलब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे शीर्ष प्रधान सेवक हैं उन्होंने माइक से हजारों बार ये सब चीजें बोली हैं कि सबका साथ और सबका विकास जी। और रही बात धर्म की तो वो तो हमारे प्राण है जी। अपने धर्म को निभाना हर किसी का अधिकार है, संविधान उसको निभाने का अधिकार देता है जी। तो अगर हम हमारे धर्म को निभाने के लिए बोलते हैं, कई लोग ये डिफरेंशिएट करते नजर आते हैं कि धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग चीजें हैं, क्या आप इसे अलग देखते हैं? वो ना समझ बोलते हैं जी, ऐसा नहीं है, हम सब भारतीय हैं जी। और मातृभूमि ही सबसे बड़ा हमारा धर्म होना चाहिए जी। राष्ट्र धर्म हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए, एक राजनीति एक राजनेता के अंदर राष्ट्र धर्म सबसे पहला धर्म है जी। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा है, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। संदीप जी, एक नेता में जो गुण होता है वो शांति का होता है, बिल्कुल पीसफुल होता है, वो आपके अंदर दिखाई देता है कि आप बिल्कुल हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत दिखाई देने वाले व्यक्ति, ये कहाँ से गुण आया? पारिवारिक गुण मानते हैं इसे आप, कहीं माता पिता से गुण आया है या समय के साथ में ये पैदा हुआ है? मेरे माता पिता बहुत ही मतलब उनसे संस्कार जो मिले हैं, मैं ऋणी हूँ उनका जो मुझे ऐसे संस्कार उन लोगों ने दिए, तो कहीं ना कहीं और मैंने उसका पालन शत प्रतिशत किया कि जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए हैं वैसा मैं पालन करता चला गया और फिर इसके अंदर जैसा ईश्वर ने मुझे बनाया बस मैं वैसा ही। आपकी दिनचर्या क्या है? हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उसे समझ में आना चाहिए कि एक युवा जो राजनीति में व्यक्ति होता है उसकी दिनचर्या होती क्या है, सुबह से क्या शुरुआत होती है, आपकी कुछ दिनचर्या क्या होती है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला मैंने बताया कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया जी, तो सबसे पहले मैं उसी पे ही ध्यान देता हूँ जी। सबसे पहले उठ के अपनी रनिंग वॉकिंग जो भी मुझे करना होता है, कार्डियो एक्सरसाइजेस जी। और चूंकि मैं बॉडी बिल्डिंग फील्ड से जुड़ा हूँ तो मैं, कितना समय देते हैं आप जिम को? करीबन 1.5 से 2 घंटा जो मेरा शेड्यूल है उस दिन जी, का जी। तो जब शेड्यूल जितना समय में पूरा होता उतना समय मेरा उस दिन का शेड्यूल मतलब समय रहता है जी। बस बाद में उसके बाद फिर मैं संगठन कार्य में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं जी, कुछ कार्यक्रमों में इन्विटेशन लेता हूँ, आना जाना, मिलना जुलना, बस ये मेरी दिनचर्या में रहता है। अच्छी बात है। क्या यहाँ की प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन भविष्य को लेकर आपकी योजना क्या है? क्योंकि जब व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो चाहता है कि वो मंत्री बने, वो किसी बड़े पद पर काबिज हो, आपकी क्या एक महत्वाकांक्षा है? इस आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, मैंने ऐसा कुछ सपना लेके तो मैं इसमें नहीं आया लेकिन हाँ, मैंने कर्म को प्रधान करा कि मुझे जो भी अवसर संगठन देगा उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से निभाऊं, यही मेरा लक्ष्य है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जी, और मैंने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता प्राण और प्रण से जुड़ा हुआ है जी। तो उसी कड़ी में मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में जी, मैं उस यज्ञ में लगा हूं कि विश्व पटल पर भारत का नाम रहे, वो एक लीडर बने जी। तो यही मेरी वो है और मैं भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि संगठन ने मुझे अभी तक खाली नहीं रखा, मैं जब से मैंने पहला पायदान मैंने मंडल अध्यक्ष से लेके मैंने इसको चालू किया तो आज तक संगठन ने मुझे खाली नहीं रखा। संगठन ने कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ जवाबदारी, कुछ ना कुछ दायित्व, कुछ ना कुछ पद पे रखा जी। और मैं उनका आभार मानता हूँ कि मैं मुझे इस योग्य उन्होंने समझा
और मैं शत प्रतिशत उन्होंने जो मुझे समझा है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उतना अपना समर्पण दे पाऊँ संगठन को। जी। एक अंतिम प्रश्न है, राजनीति में करप्शन एक बड़ा जो है इश्यू है और आम जनता इसी को लेकर हैरान परेशान भी रहती है। आप कोई कोई बड़ा पद मिलता है, इस वक्त भी आप बड़े पद पर हैं, लेकिन भविष्य में आप किसी बड़े स्थान पर पहुंचते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पहुंचे, तो करप्शन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? देखिए करप्शन तो गलत ही, होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी। आप हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, आप देखिए कि इतने आज शिवराज जी की सरकार को आज 4 कार्यकाल हो गए, आप देखिए कि उनके ऊपर एक दाग तक नहीं है। जी। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसको कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा कोई दाग नहीं दिखेगा कि यार इनके ऊपर कोई करप्शन का वो है। तो कम से कम हम जिस पार्टी के हिस्सा हैं वहां पर ये चीज प्रमुखता से है कि करप्शन का कभी नहीं आना चाहिए। जी, जी। तो बस यही हमारा उद्देश्य। आपसे हमारी बातचीत हुई और आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी अपने बारे में, बहुत सारा धन्यवाद। जी। संदीप दुबे जी से बातचीत करते हुए लगता है कि ये एक युवा है और बहुत प्रतिभाशाली युवा है, राजनीति में जिस तरह से बढ़ रहे हैं लगता है कि किसी आज से 10 साल बाद किसी बड़े उच्च पद पर होंगे, लेकिन जो आपके आदर्श हैं हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि एक आप बहुत देश के लिए एक बेहतरीन लीडर और एक अच्छे लीडर साबित होंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बढ़ते रहें और जो करप्शन पर आपके विचार हैं वो वैसे ही रहें और इस देश में जब आप किसी पद पर पहुंचे तो उसको इस जो विसंगतियां हैं जो कमियां हैं उससे आप दूर करें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।